कांकरोली में लूट की वारदात के एक अपराधी को पकड़ने के बाद आज सुबह उसको मौके तस्दीक के लिए ले जाना और वहां से उसके भागने की कोशिश, जवाब में पुलिस की फायरिंग। जी हां, ये पूरा घटनाक्रम आज सुबह 26 सितंबर की सुबह राजसमंद जिले में घटित हुआ है और अभी हम खड़े हैं कमला नेहरू अस्पताल, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ हैं। स्वयं पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी यहाँ हैं, उनके साथ तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ खड़े हैं। यहाँ अंदर उस अपराधी प्रतीक उसका भी इलाज चल रहा है, बताया जा रहा है कि उसके पैर में गोली लगी है और जो पूरा घटनाक्रम निकल कर आ रहा है उसमें जो जानकारी छन कर आ रही है उसके अनुसार आज सुबह पुलिस कांकरोली थाने से उस अपराधी को बिनोल और साकरोदा की तरफ मौका दिखाने के लिए ले जाती है। जिस मार्ग से वो भागे थे उस मार्ग की जानकारी के लिए वहाँ वो पहुँचते हैं और बताया जा रहा है कि बिनोल और साकरोदा के बीच का एक कोई मार्ग है, उस मार्ग पर जब वो गुजर रहे होते हैं तो अचानक से वो अपराधी, ये जो पूरा पुलिस अमला होता है जिसमें कि कांकरोली थानाधिकारी DP दाधीच उस अमले के साथ होते हैं और उनके साथ हेड कांस्टेबल जगदीश चंद्र होते हैं, कांस्टेबल विक्रम सिंह, हिम्मत सिंह, अरविंद, ये तमाम लोग होते हैं और ये जब उस अपराधी के साथ चल रहे होते हैं तो अचानक वो अपराधी कांस्टेबल विक्रम सिंह के हाथ से गन को छीनता है और हमला करने की कोशिश करता है, फायरिंग करता है। और जैसे ही ये वहाँ पर घटना घटित होती है तुरंत प्रभाव से DP दाधीच कांकरोली थानाधिकारी अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं और उस अपराधी पर फायरिंग करते हैं। बताया जा रहा है कि उस अपराधी की पांव में गोली लगती है और वहां वो उस गोली के कारण घायल हो जाता है। कांकरोली के कमला नेहरू अस्पताल में लाया गया है, यहां पर भीतर इलाज चल रहा है, तमाम आला अधिकारी यहां मौके पर मौजूद है। मगर ये आज सुबह एक ऐसा घटनाक्रम निकल कर आया है जिसने उस लूट के जो एक बहुत बड़े वारदात थी उस वारदात की तमाम सुर्खियों को पुनः चर्चाओं में लेकर आ गया है। अभी भी हम उस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं और अगर आप देखेंगे तो तमाम पुलिस के जवान, तमाम पुलिस का महकमा इस कोशिश में है कि ये अपराधी है इसको यहाँ से पुनः उपचार के बाद अपनी कस्टडी में लिया जा सके और उसके बाद आगे की पूछताछ की जाए इस मामले में। हालांकि अभी तक भी पुलिस के हाथ ये एक अपराधी जरूर आया है मगर उसके बाद पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में ये जो पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है, जांच की तमाम प्रक्रिया चल रही है, उन प्रक्रियाओं के बीच में आज सुबह कांकरोली पुलिस के साथ जब अपराधी मौका तस्दीक के लिए जाते हैं वहाँ से गोली की घटना आती है, जवाबी फायरिंग होती है और पुलिस की उस फायरिंग में अपराधी के पैर में गोली लगने की खबर है। सभी अधिकारी आज सुबह इस हॉस्पिटल में हैं। देखिए इस पूरे प्रकरण पर राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी का क्या कहना है। ये जो कांकरोली में 23 तारीख को जो लूट की घटना हुई थी जिसमें फायर आर्म्स दिखा करके एक शोरूम को लूटा था, उसमें जो आरोपी कृतिक इसको बिहार से हम लेकर आए थे, अरेस्ट किया था। आज इसने दुकान से जो DVR था वो तोड़ के फेंका था, वो जगह तस्दीक कराने और DVR बरामद कराने के लिए ले गया। वहाँ मौका देख करके इसने हमारे सिपाही को धक्का दिया, उसकी राइफल ले ली और उसके ऊपर फायर भी किया। वो फायर करके और जो है भागने की कोशिश में था, ये आत्मरक्षार्थ SHO ने पलट फायर किया जो इसके पाँव के नीचे की तरफ गोली लगी है। ये घटना है सर, वो DVR बरामद हो गया नहीं, उसकी तलाश कर रहे हैं। ये जब जहाँ बताया है वो हम उसी काम के लिए गए थे लेकिन मौका देख करके इसने पहले ही जो है धक्का दे के हम पे फायर कर दिया पुलिस पे, तो अब वो कार्रवाई हमारी अब करेंगे। दोनों घायलों की स्थिति ठीक है।